आई एम नमामी और मेरी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में 17वीं रैंक आई है। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और अपने अनुभव से जो कुछ भी मैंने सीखा और जो कुछ भी टिप्स मुझे लगती हैं कि आप सभी के लिए कारगर हो सकती हैं जो ये ऑप्शन लेना चाहते हैं, इसे लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ ताकि आपको इससे लाभ हो। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि काफ़ी लोग लेना चाहते हैं पर इसके बारे में एम्पल गाइडेंस अवेलेबल ना होने के कारण वो इसका आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। आई वुड से कि इकोनॉमिक्स के लिए आपको स्पेसिफिकली प्रिपेयर करना नहीं पड़ता इतना, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये आपकी जीएस की प्रिपरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बात करेंगे कि कैसे इसकी तैयारी अच्छे से की जा सकती है एज एन ऑप्शनल। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैं ऋषिकेश से हूँ और वहीं से मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी की। उसके बाद आई मूव टू दिल्ली, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑनर्स का कोर्स किया, LSR बैच ऑफ 2012। उसके बाद कुछ महीने मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में जॉब किया और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की बात करें तो मेरे लिए इट वॉज ईजी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की थी और पेपर वन के लिए तो स्पेशली मैंने वही टेक्स्ट बुक्स रेफर की। लेकिन अगर कोई नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से इकोनॉमिक्स को लेने के बारे में सोचे तो उसको कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, इस पर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑप्शनल के पॉजिटिव्स क्या हैं। इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी बैलेंस्ड सब्जेक्ट क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा देयर इज़ अ परफेक्ट बैलेंस। आप ग्राफ्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में, आप फैक्ट्स और फिगर्स इंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी पेपर में लार्जली थ्योरी रहती है। पेपर वन में देर आर लाइक काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसके साथ ही डेवलपमेंट के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स हैं। तो इन सभी को तैयार करना होता है, पेपर वन का काफ़ी एक्सटेंसिव सिलेबस है। तो पहला पॉजिटिव इस ऑप्शनल का ये है कि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड सब्जेक्ट। सेकेंड पॉजिटिव अबाउट दिस इज़ दैट इट्स नेचुरली वेरी स्कोरिंग। इफ़ यू रिटन द थ्योरी वेल एंड इफ़ यू मेड द ग्राफ करेक्टली देन एक्सप्लेनिंग इट विल ऑटोमेटिकली फॉलो। सो यू आर लाइकली टू गेट गुड मार्क्स इफ़ यू मेड द राइट ग्राफ एंड इफ यू एक्सप्लेन इट। The same thing applies to Indian economy. In Indian economy, you can use concepts from paper one and interlink it to the situation in your economy at present. अब अगर बात करें, this is the general positive negative of this subject. अगर बात करें कि कोई non-economics background का इस subject को लेने के बारे में सोचे तो उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, सबसे पहले NCERT books 11th 12th की NCERT बुक्स को कवर करिए। उससे आपका बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, GDP क्या होता है, हमें तीन सेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट अप्रोच क्या होती है, GDP को मेजर कैसे करते हैं, जो भी बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के वो आपको समझ में आएंगे। आफ्टर दैट आप ऐसी बुक कोई भी ले सकते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पूरी एक टाइमलाइन एक्सप्लेन कर सके कि कैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा में इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी और उसके बाद फिर जो चेंजेस आए, जो 5-year plans हमने इंक्लूड किए और उनका क्या फॉलआउट हुआ। सो वो पूरा एक टाइमलाइन एट प्रेजेंट तक एनी गुड बुक यू कैन रेफर। रमेश सिंह इज़ अ गुड बुक फॉर बिगिनर्स। देन यू कैन मूव टू एडवांस्ड बुक्स लाइक मिश्रा एंड पुरी, दत्त एंड सुंदरम। दीज आर द टू बुक्स दैट जो एस्पिरेंट्स यूजुअली रेफर करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का पेपर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, फ्रॉम फॉर समवन हु हैज़ नो बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स, आप स्टार्ट कीजिए NCERT से, रीड देम और उसमें अगर आपको कोई भी चीज़ नई लगती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप अंडरलाइन करिए, जो समझ में नहीं आ रहा उसको इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको उसका पूरा बैकग्राउंड मिल जाएगा, समझ में आएगा कि इस टर्म के क्या मीनिंग है। देर इज़ एक वेबसाइट है इन्वेस्टोपीडिया, उस पर इकोनॉमिक्स के टर्म्स की बहुत सिंपल डेफिनेशंस आर अवेलेबल, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं।
सो जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए उसके बाद आप धीरे धीरे बुक्स पढ़िए, एक बार रीड करिए, मार्क कर दीजिए उसमें कि हमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, और फिर उसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। इस तरीके से आप इंडियन इकोनॉमी को प्रिपेयर करिए। पेपर वन के लिए मैंने तो ज़्यादातर अपनी ग्रेजुएशन की टेक्स्ट बुक्स रेफ़र की थी, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप मार्केट से जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको ले आइए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रेफ़र करनी पड़ेगी। और टेक्स्ट बुक जब आप पढ़ेंगे तो यू विल हैव टू रीड इट, आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती चैप्टर्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको आगे के चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे। सो यू विल नॉट बी एबल टू जंप, आप जंप नहीं कर पाएंगे कि एक रैंडम चैप्टर पकड़ लिया और उसको समझने का प्रयास किया। तो आप पहले मटेरियल रेफ़र करिए, पहले मटेरियल इसलिए क्योंकि वो आपको एक कॉम्पैक्ट स्पेस देगा। अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक्स में चले गए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप सडनली एडवांस्ड बुक्स रेफ़र करेंगे तो दिक्कत आएगी। पहले मटेरियल रेफ़र करिए, उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए आप टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हैं। सेकेंडली देर आर सम टिप्स जो कि मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि स्पेशली इकोनॉमिक्स के लिए फोकस करिए आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, बोथ पेपर वन एंड पेपर टू। दीज टिप्स आर यूज ग्राफ्स वेर एवर यू कैन, इवन इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफिकली आस्क, अगर क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया है कि ग्राफिकली डिपिक्ट करिए, फिर भी आप एक ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने से आपका आंसर बहुत ही सिंपलर वे में कन्वे हो जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़, whenever you are to quote facts, economic survey is a very useful document, उसको refer करिए, उसको पढ़िए। वो लगता बहुत कठिन है, बहुत ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल document है, पर एक बार आप जब पढ़ेंगे तो उसको आपको लगेगा कि ये काफ़ी easy है। आप तो one after another you will be able to cover the chapters quickly। सो इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, उसमें से जो फैक्ट्स आपके काम के हैं उनको अंडरलाइन करिए, मार्क करके रखिए और उनको अपने आंसर्स में इंक्लूड करिए। दैट विल रियली हेल्प यू स्कोर बेटर मार्क्स। सेकेंड थिंग, इंटरलिंक अक्रॉस पेपर्स, ब्रिंग इन इंडियन इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स इन पेपर वन विच इज़ द कंसेप्चुअल पेपर, और पेपर वन के कॉन्सेप्ट्स को इंडियन इकोनॉमी के पेपर में इंक्लूड करिए कि हाउ दैट थ्योरी अप्लाइज टू दिस सिचुएशन, जो हमारी इकॉनमी में सिचुएशन है उसमें कैसे क्लासिकल अप्रोच इज यू नो वैलिडेटेड, और हाउ द कैपिटलिस्ट अप्रोच इज वैलिडेटेड इन अ पर्टिकुलर स्कीम और इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। सो डू दैट, आई थिंक दीज टिप्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर इम्प्रूविंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।